नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे वालिदैन राजी उससे रब राजी, जिससे रब राजी उसकी दुनिया भी मन गई, उसकी आखरत भी मन गई। वैसे दुनिया में देख लें, जो शख्स भी ओहदे पर पहुंचा है, कामयाबी हासिल की है, तरक्की की है, अरूज हासिल किया, उसके पीछे माँ बाप की दुआएं ज़रूर हैं। जिस शख्स ने माँ बाप की नाफरमानी की, उनका दिल दुखाया और उन्हें तकलीफ पहुँचाई, यकीनन वो दुनिया में भी खसरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया में भी नुकसान उठाएगा, आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। कश्मीर की एक मिसाल सुनाता हूँ कि एक शख्स नौजवानी के जोम में, घमंड में, गुरूर में, उसने माँ को लात से, पाँव से ठोकर मारी। मेरे जीरो गुस्से में आकर किसी भी बात में जज्बात कर, नादानी में 25-26 साल का जवान, उठती जवानी और खूबसूरत, तो जिस दिन से उसने पाँव मारा, ठोकर मारी पाँव से, उससे दूसरे दिन उसको निकला फोड़ा उसी पाँव पर। वो फोड़ा यहाँ तक चला गया कि उसको टांग कटवानी पड़ गई। वही शख्स जिसने माँ को मारा था और माँ को रुलाया था, माँ को दुख दिया था, तकलीफ पहुँचाई थी, वो शख्स टांगे कटवा कर और भिखारी बनकर मस्जिद को आगे चंदा करते करते मर गया। देख लिया दुनिया ने कि जो शख्स दुनिया में माँ को दुख देता है, बाप को तकलीफ पहुँचाता है, तो अल्लाह उसको दुनिया में सजा दे देते हैं, आखरत की सजा यकीनी है। मरीज और तजर्बा करके देख लें, पूरी दुनिया में जिसने कामयाबी हासिल की, उरूज हासिल किया, वही शख्स है जिसके पीछे माँ बाप की दुआएं हैं, माँ बाप को सुख पहुँचाया, माँ बाप की राहत का ख्याल रखा, और जिसने भी दुनिया में माँ को, बाप को तकलीफ पहुँचाई, अल्लाह इसको दुनिया में भी ख़राब करेगा और आखरत में भी इसको बर्बाद करेगा, और ये दुनिया और आखरत का दोनों का नुकसान करने वाला शख्स है, बदतरीन शख्स के जिसको दुनिया में भी अदाब मिलकर रहेगा। आइए हम माफ़ी मांग लें, अगर थोड़ी कमी बेशी अप एंड डाउन होगी वालिदैन के इस मामले में, तो अल्लाह रहीम है, करीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं।